के पास बहुत लोगों के फोन आए, बोले अरे कौशल नंदन क्या तुझे कोई और नहीं मिले, कितने चाहिए तुझे जनरल के लड़के पीएचडी के लिए, मैं देता हूँ, लेकिन ऐसे कैसी के लड़के तू पीएचडी कराएगा, कैसे डॉक्टर बनाएगा। लेकिन वो धन्य उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस लड़के ने मेरी सेवा की है, इस लड़के ने मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा किया, कार्य किया है, मैं इसको पीएचडी जरूर कराऊंगा। और उन्हीं की देन है, तो भले ही मेरा सपना अभी अधूरा रहा, मैं माध्यमिक शिक्षा में ही हूँ, लेकिन आज डॉक्टर की उपाधि मेरे साथ लगी हुई है, तो मुझे मेरे पास पड़ोस गाँव वाले कहते हैं ये डॉक्टर क्या है, अरे तू क्या डॉक्टर है, कौन सी दवा देता है, कौन सी बीमारी का इलाज करता है। मैंने ये चीज तुम तभी समझ पाओगे क्योंकि इनकी आबादी 95% है, 90% है, तो ये तो पूरा शिक्षा पे कब्जा कर लेंगे। इंडिया इन्हें को यहीं पर रोको, इन्हें आगे नहीं चले। आरक्षण खोजो, खोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऊंची जाति की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनुवादियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनुवादियों की सरकार नहीं चलेगी। आरक्षण डकार गई सरकार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज ये कार्यक्रम एससी एसटी ओबीसी संगठनों सहित आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मूल मुख्य उद्देश्य 22 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में जो आदेश 13 पॉइंट रोस्टर पर जो आदेश दिया गया है उसके विरोध में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारी मांग है कि 13 पॉइंट रोस्टर को तत्काल प्रभाव से सरकार वापस ले और 200 पॉइंट रोस्टर के लिए अध्यादेश लाए, क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर में एससी एसटी ओबीसी का लगभग आरक्षण समाप्त हो रहा है और जो पुरानी व्यवस्था थी 200 पॉइंट रोस्टर उसमें आरक्षण की व्यवस्था एससी एसटी ओबीसी की है। हमारी मुख्य मांग ये है। दूसरी मांग हमारी है 26 सितंबर 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण को संवैधानिक माना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है जब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना है प्रोन्नति में आरक्षण को तो उसको तत्काल लागू किया जाए, ये हमारी दूसरी मांग है, इसलिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। यदि अभी सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन बहुत ही बड़े स्तर पर और बहुत ही आक्रोश के साथ किया जाएगा और अभी जो 2019 का इलेक्शन आ रहा है और उस इलेक्शन में भी इसका मुखर विरोध किया जाएगा। मैं हरदेश यादव हूँ, यहाँ बरेली कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री हूँ और अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा जनपद बरेली का। ये उस शिक्षा में जो 13 पॉइंट रोस्टर है, हम लोग उसके विरोध में यहाँ आज बड़ी संख्या में छात्र, नौजवान, माताएं, बहनें, तमाम दलित और पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और देश में एकदम अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, उसके विरोध में दलित और पिछड़ों को जो अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग तमाम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे समाज से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दलित और पिछड़े वर्ग के, वो गूगे और बहरे बन के बैठे हुए सदन के अंदर और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो चाहे रामगोपाल जी हों, धर्मेंद्र यादव जी हों, वो दोनों सांसद और भी दलित सांसद दूसरी पार्टी को वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने लगातार सदन के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को पूर्णतः लागू कराने के लिए, माननीय रामगोपाल जी ने आरक्षण की व्यवस्था को पूर्णतः लागू कराने के लिए लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दलित और पिछड़े वर्ग के सांसद हैं वो गूंगे बहरे बन के गुलाम बन के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और दलित और पिछड़ों के अधिकारों को छिनवाने का काम कर रहे हैं।